Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम टू कैसे हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थंबनेल के इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वेब व्यूअर में बैक प्रेस बटन कैसे लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप प्रोफेशनल एग्जिट बटन भी उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले तो आपको थंबनेल की वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर मैं एक ऐप डेमो के लिए क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ बैक और इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद गाइज, मैं इसके सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेटस बार को हटा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेब व्यूअर डाल देता हूँ और यहाँ पर होम यूआरएल में डाल देता हूँ मैं चैनल का लिंक। तो गाइज, उसके बाद हमें यहाँ पर डालना होगा एक नोटिफायर, तो मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जौन सा आपको इसका बैकग्राउंड में कलर रखना है, या फिर आप टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको जाना है सिंपल से ब्लॉक्स में। तो जैसे ही स्क्रीन वन एनालाइज हो यानी ओपन हो तो क्या होना चाहिए, कॉल वेब व्यूअर वन गो टू यूआरएल और यहां पर हम टेक्स्ट भी डाल देते हैं, ब्लैंक टेक्स्ट में डाल देते हैं अपने चैनल का लिंक। और उसके बाद गाइज क्या हो यहाँ पर, जब बैक बटन हम यहाँ पर दबाएं तो सबसे पहले हमें जाना होगा स्क्रीन वन पर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैन बैक प्रेस। तो आपको इसको उठाना है, यहाँ पर रखना है और यहाँ पर आपको लेना है कंट्रोल इफ और देन। और यहाँ पर जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिलीज को आपको यहाँ पर लगा देना है। अब यहाँ पर तीन बॉक्स आ गए और गाइज उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है वेब व्यूअर वन में और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉल वेब व्यूअर वन कैन गो बैक। इसको आपको यहाँ पर सबसे ऊपर लगाना है इफ में और देन में क्या होना चाहिए, यहाँ पर बैक प्रेस होना चाहिए यानी कि कॉल वेब व्यूअर वन गो बैक और इसको आपको यहाँ पर देन में लगा देना है। और इलेज में आपको यहाँ लगाना है नोटिफायर पर, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर लेना है कॉल नोटिफायर शो चूज डायलॉग, लगा देना है इलीज में। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना होगा टैक्स, तो हमें जाना होगा यहाँ पर टैक्स में और यहाँ पर हम ब्लैंक टैक्स लगा देते हैं सभी में। इन सब को हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है मैसेज का नाम, यहाँ पर हम लिख देते हैं डू यू वॉन्ट टू एग्जिट और उसके बाद यहाँ पर टाइटल पर एग्जिट और बटन वन पर लिख देते हैं हम यहाँ पर यस और सेकंड बटन आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो गाइस, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें जाना है यहाँ पर नोटिफायर में वापस और यहाँ पर आफ्टर चूजिंग आपको सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर इफ़ और देन लगाना होगा, इसलिए आपको जाना होगा यहाँ पर कंट्रोल में और इफ़ और देन को आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद गाइस, आपको जाना है यहाँ पर लॉजिक में और यहाँ पर इक्वल टू वाला ऑप्शन आपको उठाना है और इफ़ में लगा देना है। और यहाँ पर जैसे ही आप चॉइस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है गेट चॉइस, आपको पहले बॉक्स में डाल देना है और यहाँ पर येस वाला जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया था इसको डुप्लीकेट करना है और इसको इसके अंदर लगा देना है। उसके बाद जैसे ही कोई येस चूज़ करता है तो क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन क्लोज हो जानी चाहिए। तो हमें जाना है यहाँ पर कंट्रोल में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज एप्लीकेशन, तो इसको आपको यहाँ पर देन में लगा देना है। तो चलिए गाइस, मैं इसे जल्दी से यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो गाइस, अभी मैंने इस ऐप को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पूरा चैनल ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ और सर्च करता हूँ और मैं यहाँ पर दूसरे पेज पर चला जाता हूँ और जैसे ही मैं बैक दबाता हूँ तो यहाँ पर वेब व्यूअर का भी बैक बटन काम कर रहा है और साथ में अगर हम यहाँ पर वापस बैक बटन दबाते हैं तो यहाँ पर हमें ये नोटिफिकेशन भी दे रहा है डू यू वांट टू एग्जिट और जैसे ही हम यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो हम एप्लीकेशन से भी बाहर आ गए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, तो लाइक का बटन दबाना ना भूले। इसी तरह की इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो के लिए हमारे चैनल कैसे आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।